जब था ही साथ है तो कभी कुछ बोलता था इधर उधर, और कम्मा तेजी से करवा रहे हैं तब कुछ कुछ बोल रहा है। इसलिए उन लोगों के बोलने का कोई वैल्यू है? उन लोगों के बोलने पर मेरा कोई मतलब नहीं, अपना अंडमंड बोलते रहता है, क्या करता है सोचे वही सब। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देर शाम को पहुंचे पटना के मरीन ड्राइव जेपी गंगा पाथवे पर। देखिए, जेपी गंगा पाथवे का जो दूसरा फेज़ है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। आपने देखा 14 अगस्त को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले, जेपी गंगा पाथवे का जो फेज़ टू है वो बनकर तैयार हुआ था, जिसका शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया था। लेकिन अब जो आगे का काम है, यानी कि जो दीदारगंज तक जाना है, यानी कि दीघा से आप सीधा चढ़ेंगे और दीदारगंज तक ये जो जेपी गंगा पाथवे का पूरा प्रोजेक्ट है वो जाएगा, वहाँ तक वो सड़क जाएगी और दो लेन की सड़क होगी, दोनों ही ओर गाड़ियाँ चलेंगी, एक ओर से गाड़ियाँ जाएंगी, एक ओर से गाड़ियाँ आएंगी। उसका निरीक्षण करने पहुँचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जल्दी से काम करा दीजिए, जल्दी से काम होना चाहिए, ये आग्रह भी किया है, ये निर्देश भी दिया है नीतीश कुमार ने। साथ में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देर शाम को जब गंगा पाथवे का निरीक्षण करने पहुँचे नीतीश कुमार, जितना काम बाकी है वो जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, निर्देश भी दिया है। और नीतीश कुमार ने कहा है काफ़ी बेहतरीन ये काम हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा पटना वासियों के लिए। देखिए, जाम से तो जाम से तो राहत मिलेगी ही, अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे थे जरा सुनिए। बनके तैयार हो गया, हम लोग तीन वहाँ तक जाने वाले हैं तो उसके लिए भी देखने आते हैं, और दूसरा वो जो बन रहा है तो उसके लिए भी है तैयार, हम जल्दी जल्दी हो जाए तो उसी के लिए ना है कि सब लोगों को सुविधा होगी आने जाने का, तो इसी के लिए तो देखने आते हैं जी। आप देखिए, ये लोग तो तैयार ही हैं, लेकिन लग रहा है कि अगले साल शुरुआती दौर में ही उधर वाला भी तैयार हो जाएगा और इनका वहाँ तक भी जाने का तैयार हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो बनवाए हैं, एक हिस्सा करवाए लास्ट ईयर, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो जाएगा, ये सब भी हो जाएगा, सब इसी को ना देख रहे हैं भाई। वो भी बनाने के लिए कितना पहले से इंटरेस्टेड है आपको मालूम है जी, 10-12 साल पहले से 6 लेन वाला करवा रहे हैं, तो उसमें डीले किया है, इधर बार बार जा कर के किए, तब कह दिया है कि हो जाएगा अगले साल शुरुआती दौर में, जनवरी वगैरह फरवरी में हो ना जाएगा, तो कहा है, श्योर किया है। पिछली बार तुम गए थे कुछ महीना पहले, तो ये देख रहे थे कि इनका वहाँ जाने का। तो बीजेपी कैसे बोल रही है कि काम नहीं हो रहा है, कौन काम? तो ये आप खुद देखिए ना, तो उनका जवाब तो आपको दे देना चाहिए, उसके बारे में तो हम देखते ही नहीं है। आप सब पूछिए तो हम उन लोगों का कोई बयान नहीं देखते, कोई मतलब नहीं। अब आप जानते नहीं हैं कि हम लोग कितना तेजी से काम कर रहे हैं, और जब था ही साथ है तो कभी कुछ बोलता था इधर उधर, और कम्मा तेजी से करवा रहे हैं तब कुछ कुछ बोल रहा है, कोई मतलब है क्या? उसका कोई रोल था? सब ना करवाया जी, इसलिए उन लोगों के बोलने का कोई वैल्यू है? उन लोगों के बोलने पर मेरा कोई मतलब नहीं, अपना अंडमंड बोलते रहता है, क्या करता है सोचे वही सब। तो सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, जब जेपी गंगा पाथवे पहुंचे उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही साथ बीजेपी पर भी खूब निशाना साधा है। बीजेपी जो कहती है उसका कोई वैल्यू नहीं है, बीजेपी जो कर रही है करते रहे, अनबन बोलते रहे, लेकिन बीजेपी जब साथ में थी उस वक्त क्यों नहीं कहती है? क्या उस वक्त काम नहीं हुआ? नीतीश कुमार ने कितना काम किया है उन्होंने खुद गिनवाया है, उन्होंने खुद कहा है, आपने सुना है कैसे पलटवार किया है, लेकिन बीजेपी का कोई वैल्यू नहीं है, उसका जो मन है वो बोलते रहे। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है, आपने तस्वीरें भी देखी हैं, जेपी गंगा पाथवे का निरीक्षण किया है। देर शाम को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी साथ मौजूद थे, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद।